हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग कुष्ठ निदान की सेकंड वीडियो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कुष्ठ निदान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज जो है जो सात तरह के जो कुष्ठ होते हैं इनके बारे में, इनके लक्षणों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो है इनका उपद्रव जो है वो पढ़ेंगे और फाइनली जो है साध्य असाध्यता इसको भी कवर करेंगे। तो एक बार सातों कुष्ठ का नाम और इसमें कौन सी दोष की डोमिनेंसी है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कुष्ठ जो है कपाल कुष्ठ, डोमिनेंसी वात, एंड सेकंड औदुम्बर, इसमें पित्त प्रधान। थर्ड जो है मंडल कुष्ठ, कफ प्रधान। फोर्थ है ऋष्य जिह्वा कुष्ठ, वात एंड पित्त प्रधान। फिफ्थ है पुंडरीक कुष्ठ, पित्त एंड कफ प्रधान। सिक्स सिद्म कुष्ठ, श्लेष्म एंड वात प्रधान। एंड सेवंथ जो है काकनक कुष्ठ, जो तीनों दोष प्रधान। अब जो है इनमें से हम लोग पढ़ाई करने का ऐसा ट्रिक बनाएंगे कि जो है तीन तीन कुष्ठ को जो कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। जैसे जो सिंगल सिंगल दोष प्रधान है वात पित्त कफ, उसको एक साथ पढ़ेंगे, देन द्वंद्वज वाले को एक साथ पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हम लोग तीन कुष्ठ के बारे में देखते हैं, कपाल कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ एंड मंडल कुष्ठ। इनको जो है एक ही पेज में लाने के चक्कर में ये थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कपाल कुष्ठ हम जानते हैं वात प्रधान, उदुम्बर पित्त प्रधान एंड मंडल कुष्ठ कफ प्रधान है। तो इनको जो पढ़ना है इसके लिए जो है कुछ पाँच सब हेडिंग है उसके अंडर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा जो है अच्छे से समझ में आएगा और याद भी इजली कर सकते हैं। तो वो सब हेडिंग है वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव एंड नाम, विशेष विज्ञानम। ठीक है, तो इन्हीं के अंडर में इन सभी को जो है पढ़ना क्या कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें नाम जो आया उसमें देखते हैं कि ये सभी जो कुष्ठ है, जैसे कपाल कुष्ठ है तो इसका नाम कपाल ही क्यों पड़ा वो देखते हैं। तो कपाल का अर्थ होता है खपड़ा, खपड़े का जो घर बनता है वो, या फिर जो मडपोट होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उस मिट्टी के घड़ा को जो यदि तोड़ दिया जाए तो जो फ्रेगमेंट होता है वो जो होता है उसे भी कपाल कहते हैं। तो वो जो कपाल जो कृष्ण एंड अरुण, ठीक है, ब्लैकिश रेडिश कलर का होता है, उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम कपाल कुष्ठ पड़ा। नेक्स्ट है हमारा उदुम्बर कुष्ठ। इसका नाम उदुम्बर क्यों पड़ा, तो पक्व उदुम्बर फल वर्ण। उदुम्बर फल जो होता है, गुलर का फल जो होता है ये फ्रूट, तो उस जो पका हुआ गुलर का फल होता है उसके जैसा दिखता है ये कुष्ठ में स्किन का कलर, इसलिए इसका नाम उदुम्बर कुष्ठ का। नेक्स्ट जो है मंडल कुष्ठ है। इसका नाम मंडल इसलिए पड़ा क्योंकि परिमंडलानी मंडल कुष्ठानी विद्यात। परिमंडल मीन्स वृत्ताकार, सर्कुलर होता है ये, इसलिए इसका नाम मंडल कुष्ठ पड़ा। नेक्स्ट इसका जो वर्ण देख लेते हैं कि इन सभी कुष्ठ में जो स्किन का कलर कैसा होता है। तो कपाल कुष्ठ में क्या है, रुक्ष अरुण परुषानी, बेसिकली इसका कलर जो है अरुण, जो सनराइज के टाइम में जो रेड कलर होता है ना वो वैसा कलर होता है। साथ साथ जो रुक्ष एंड परुष भी यहाँ दिया है। तो कपाल कुष्ठ वात प्रधान है तो वात का जो है फीचर होगा वही इसमें भी आएगा, जैसे कि रुक्ष वाला हो गया या फिर परुष वाला। नेक्स्ट उदुम्बर कुष्ठ जो है उसका वर्ण देखते हैं। तो उदुम्बर कुष्ठ का वर्ण दिया ताम्रानी ताम्र, ताम्र मतलब होता है तांबा, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का जो कलर होता है ना रेडिश, वैसा कलर का ये उदुम्बर कुष्ठ में स्किन का कलर होगा। नेक्स्ट मंडल कुष्ठ है, उसका वर्ण कैसा, तो शुक्ल रक्त अवभासनी, शुक्ल हो गया वाइट, रक्त हो गया रेड, तो वाइटिश एंड रेडिश कलर का होता है, इसलिए इसका नाम मंडल कुष्ठ पड़ा। सॉरी, इसलिए नाम नहीं, मतलब इसका कलर ऐसा होता है। नेक्स्ट जो है इसका फीचर ये संस्थान देख लेते हैं। तो संस्थान जो है कपाल कुष्ठ में क्या दिया, विषम विश्रितानी। विषम ये वातज कुष्ठ है तो वात का जो फीचर है वो विषम, चल मूवमेंट जो भी है उसके वजह से क्या होता है ये विषम विसरित। इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, विषम होता है और विसरित है, फैला हुआ होता है। नेक्स्ट क्या, खर पर यह अंतानी, अंत मीन्स हो गया लास्ट, एज जो है ये किनारा वाला पोर्शन जो है ये खरदरा होता है, ऐसा खरदरा। ठीक है, और क्या है, तनु उन्नत वृत्त बहिस्तनुनी, तनु हो गया पतला, उन्नत मीन्स उभरा हुआ और बहिष हुआ बाहर, यानी कि ये जो आउटर साइड है ये पतला एंड उभरा हुआ, थोड़ा सा जो है उभरा हुआ रहेगा, ऐसा आएगा इसका संस्थान में। संस्थान कहने का मतलब होता है आकृति, शेप। ठीक है, नेक्स्ट जो उदुम्बर कुष्ठ का संस्थान देख लें, तो उदुम्बर कुष्ठ का संस्थान कैसा होता है, खर रोमराजी एंड घना। तो खर कहने का मतलब हुआ खरदरा। ठीक है, रोमराजी मीन्स रोम जो होता है स्किन में जो हेयर्स होते हैं वो
उसके उसके साथ रहेगा और घना होगा, ये डेंसर होता है ये वाला कुष्ठ। नेक्स्ट मंडल कुष्ठ का जो है संस्थान यानी कि आकृति शेप जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्निग्ध गुरु उत्सेद अंति, मीन्स ये जैसे कुष्ठ हो गया तो इसका जो अंत वाला पोर्शन होगा ये उत्सेद होगा, उभरा हुआ होगा थोड़ा, ठीक है, मार्जिन वाला रीजन, और साथ साथ जो ये थोड़ा स्निग्ध होगा, चिकना होगा और गुरु होगा, ठीक है। और अंत के बारे में और क्या दिया है, तो सलक्षण स्थिर पित्त पर्यय अंतानी, यानी कि जो अंत है ये मार्जिन है वो भी सलक्षण होगा, ये पोर्शन तो स्निग्ध है ही साथ साथ ये भी सलक्षण होगा और स्थिर एंड पित्त पर्यय। पित्त पर्यय कहने का मतलब येलोइस कलर का होगा और पीला वर्ण का होगा, साथ साथ स्थिर, स्थिर कहने का ये सेंस होगा कि इसमें विसर्प वाला फीचर नहीं होगा, यानी कि स्किन में इस पोर्शन पे हो गया इतना एरिया में तो यहाँ से फैलेगा नहीं। वैसे भी कफ कफ प्रधान है तो कफ का गुण इसमें आएगा, स्थिरता, ठीक है। नेक्स्ट क्या, शुक्ल रोमराजी संतानानी, शुक्ल मीन्स होता है वाइट और रोमराजी वही हेयर्स, तो स्किन का जो हेयर्स होगा वो वहाँ पे जो वाइटिश कलर का यहाँ पे भरा पड़ा होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रभाव के बारे में देख लेते हैं कपाल कुष्ठ का, ठीक है। तो प्रभाव में क्या दिया, सुप्तवत सुप्तानी, ठीक है, यहाँ छोटा है ये दिया है, सुप्तवत सुप्तानी, सुप्तवत सुप्त मीन्स होता है सोना, शून्यता, नमनेस, सुप्तानी यानी कि जो स्किन का जो पर्टिकुलर जगह पे ये होगा वो ऐसा लगेगा कि वहाँ पे स्पर्श वाला जो है ना वो ज्ञान नहीं होगा, सेंस फैकल्टी टच वाला जो होगा वो नहीं हो पाएगा। देन हर्षित लोम अचितानी, यानी कि लोम हर्ष जो है रोमांच जो होता है वो भी होगा। देन आंसू गति समुत्थान एंड भेदनी, ये तीनों आंसू, आंसू का मीन्स होता है शीघ्र, बहुत फास्ट, क्या होगा गति, बहुत ही फास्ट जो बहुत तेज़ी से वो फैलेगा। देन समुत्थान मीन्स उत्पन्न भी होगा, उत्थान भी होगा बहुत तेज़ी से, एंड भेदनी जो फोड़ा वगैरह होता है फूट जाता है उसको भेदनी कहते हैं, वो भी बहुत जल्दी पक करके फूट जाएगा। देन क्या प्रभाव है, जंतुमंती, जंतु मीन्स होता है वैसे एनिमल्स, यहाँ पर जो है माइक्रोब्स को लेंगे तो यहाँ पर इसमें जो है माइक्रोब्स भी होंगे। नेक्स्ट जो है उदुम्बर का प्रभाव देख लेते हैं, तो उदुम्बर के प्रभाव में भी क्या है, कपाल के जैसा ही आंसू गति समुत्थान एंड भेदनी, ये तीनों जो है मीन्स फैलना, समुत्थान मीन्स उत्पन्न होना, एंड भेदना मीन्स फूटना, ये भी बहुत जल्दी से हो जाएगा, सेम सिमिलर टू कपाल वाला जो है कुष्ठ उसके जैसा। देन इसमें आता है एक ससंताप, तो ये जो उदुम्बर कुष्ठ है ये पित्त डोमिनेंसी है इसमें, इसीलिए पित्त के जैसा इसमें हीट वाला जो है गर्मी उष्णता ये आएगा। एंड क्रीमिनी, इसमें आया था जंतुमंती, इसमें क्रीमिनी, क्रीमी कहने का मतलब वो जो क्रीमी होता है ना, फैट फ्लैट वर्म रिंग वर्म ये सब, तो वो सब भी इसमें मिलेगा। नेक्स्ट मंडल कुष्ठ का प्रभाव देख ले, तो मंडल कुष्ठ के प्रभाव में आता है सख्त वर्ण, ठीक है, गति समुत्थान एंड भेदनी, ये तीनों चीज़ जो इन दोनों में क्या था, आंसू बहुत तेज़ी से होता था, इसमें बहुत धीरे धीरे होगा। वैसे भी हमने संस्थान में यह देख रखा था कि इसमें स्थिर वाला फीचर है और कफ के वजह से जो है ना इसमें वो स्थिरता या फिर स्लो वाला जो है नेचर वो आ जाता है, यानी कि इसका जो है फैलाव फैलना या फिर उत्पत्ति या फिर इसमें फूटना ये सब जो है धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट सवेडिंग जो है इसका वेदना देख लेते हैं, तो वेदना मीन्स पेन, तो ये कुष्ठ में पेन वगैरह कैसा होता है वो देखते हैं। तो निस्तोदो बहुला, तोदो मीन्स होता है वो प्रिकिंग पेन, सुई चुभाने जैसे पीड़ा, वो क्या है बहुला, बहुत ज़्यादा ऐसा पीड़ा होगा, ठीक है। अल्पकंडू, उस जगह पे खुजली होगा, इचिंग होगा लेकिन कम होगा, अल्पदाहा होगा, ठीक है, मीन्स बर्निंग सेंसेशन भी होगा वो कम होगा। देन पूय, पूय मीन्स होता है वो पस का सिक्रेशन एंड लसिका का भी श्राव होगा। तो उदुम्बर का वेदना भी देख लेते हैं, तो उदुम्बर कुष्ठ के वेदना में जो आया बहु बहल पूय रक्त लसिकानी, बहु मीन्स बहुत ज़्यादा एंड बहल मीन्स क्या होता है गाढ़ा, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड, क्या क्या आएगा, पूय पस आएगा, रक्त ब्लड आएगा एंड लसिका ये लिम्फ वगैरह जो है उस जगह पे आएगा अफेक्टेड एरिया में। उसके अलावा क्या क्या आएगा, वहाँ पे कंडू इचिंग होगा, क्लेद वहाँ गीला गीला होगा, कोथ कहने का मतलब सरा हुआ जो है वैसा लगेगा, दाह बर्निंग सेंसेशन एंड पाक, ठीक है। तो ये सब जो है पित्त डोमिनेंसी है इसमें, तो उसके वजह से भी जो क्लेद कोथ दाह पाक ये सब आएगा इसमें। नेक्स्ट मंडल कुष्ठ का वेदना देख लेते हैं, तो इसमें क्या क्या आया, बहु बहल, इसमें भी बहुत गाढ़ा, क्या क्या आएगा, शुक्ल पिच्छिल शराब,
बहुत गाढ़ा शुक्ल कलर, व्हाइटिश कलर का एंड पिची स्लाइमी सिक्रीशन होगा। सिमिलर वही सभी चीज़ों का, पुयो लसिका इन सभी चीज़ का, जो बहुत गाढ़ा व्हाइटिश एंड पिछिल कलर का, पिछिल नेचर का जो है वो शराब होगा। और क्या होगा तो बहुक्लेद, बहुत ज़्यादा गीलापन होगा उस जगह पे, बहुत ज़्यादा कंडू इचिंग होगा एंड क्रीमिनी वाला जो है ये प्रभाव में जो आया था इसमें भी क्रीमी आएगा। तो इन तीनों का जो है हमने देख लिया। अब नेक्स्ट द्वंद्वज का देखते हैं। नेक्स्ट तीनों द्वंद्वज जो है इनका भी कंपेरेटिवली देख लेते हैं। ऋष्य जिह्वा, पुंडरीक एंड सिद्म कुष्ठ, जो ये है वात पित्त वाले हैं, पुंडरीक पित्त कफ वाले एंड सिद्म वात कफ पर डोमिनेंस वाले हैं। तो सबसे पहले वही देखते हैं कि इनका नाम जो है ये क्यों पड़ा है। तो ऋष्य जिह्वा आकृति, यानी कि जो भालू है उसका जिह्वा टंग जो है उसके शेप के जैसा ये कुष्ठ दिखता है, इसलिए इसका नाम ऋष्य जिह्वा पड़ा। नेक्स्ट जो है पुंडरीक पलाश, पुंडरीक कुष्ठ का नाम जो है पुंडरीक पलाश। पुंडरीक कहने का मतलब जो कमल होता है लोटस, जो रक्त कमल होता है उसका जो पंखुरी पलाश जो होता है ना वो उसी के जैसा ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम पुंडरीक कुष्ठ है। और जो है ये सिद्म कुष्ठ जो है अलाबू पुष्प, अलाबू कहने का मतलब लौकी या पंपकिन जो होता है उसका जो फूल होता है उसका फ्लावर उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम सिद्म कुष्ठ पड़ा है। अब जो है इन सभी का वर्ण देख लेते हैं, कलर कैसा होता है। तो जो ऋषि जिह्वा है उसका वर्ण में दिया परुष अरुण वर्णानी, मेनली ये अरुण वर्ण का है, साथ साथ जो अरुण मीन्स वो सनराइज के टाइम वाला जो रेड है, और परुष जो है थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। बहिर अंत श्यावानी, बहिर हो गया बाहर और अंत अंदर, यानी कि ये जो कुष्ठ हुआ है इसका बाहर और अंदर दोनों श्याव वर्ण का होता है। और नील पीत ताम्र अवभासनी, यानी कि नीला पीला और तांबे के जैसा जो है ना वो अवभासनी होता है, वो चमक जैसा होता है वो दिखता है इसमें। जबकि जो है पुंडरीक एंड ये जो है सिद्म, इन दोनों का वर्ण जो है सेम है, शुक्ल रक्त अवभासिनी मीन्स शुक्ल वाइटिस रक्त रेडिस, ऐसा जो है वो शाइनिंग होगा उसमें इस तरह के कुष्ठ में इन दोनों में। अब इसके जो है संस्थान यानी कि सेप के बारे में देखते हैं। तो क्या है उत्सन मध्यानी तनु पर्यंतानी, मान के चलिए ये हमारा कुष्ठ हुआ तो मध्य वाला भाग जो है बीच वाला पोर्शन ये उत्सन ये उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। और जो तनु परि अंतानी जो एंड पोर्शन होगा वो पतला होगा, तनु होगा, ओके, अंत वाला तनु होगा और मध्य वाला उत्सन उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर्कश पीड़िका चितानी, कर्कश जो है वो कर्कश जैसा होगा, पीड़िका वो जो फुंसी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो कर्कश होगा। और साथ साथ जो दीर्घ एंड परिमंडल, इसका शेप जो होगा या तो दीर्घ होगा लंबा या फिर परिमंडल सर्कुलर वृत्ताकार होगा। यहाँ पे नाम और वर्ण में कन्फ्यूज नहीं होना है। नाम जो पुंडरीक पलाश है, जो ये पुंडरीक वाला कमल जो था उसके पत्ता के जैसा दिखता है, इसलिए उसके पत्ता के कलर का जैसा दिखता है इसलिए ये नाम नहीं पड़ा है, बल्कि उसके पत्ता जैसा दिखता है। कलर तो इसका शुक्ल रक्त है, ओके, ठीक है। यहाँ पे हाँ हम संस्थान देख रहे थे, तो जो पुंडरीक कुष्ठ है उसका जो शेप होगा वो क्या दिया, रक्त परिय अंतानी, जो अंत होगा एंड वाला जो मार्जिन होगा वो रेडिश कलर का, रक्त कलर का होगा। साथ साथ जो रक्तराजी शिरा संतता उत्सेद अवस्थी, रक्तराजी, ठीक है, जो इसके अंदर में जो है ना शिरा वगैरह जो है उभरा उभरा होगा वो रक्त कलर का होगा, उत्सेद होगा उभरा होगा और रक्तराजी भरा होगा शिराओं से, ठीक है। और इसमें जो है सिद्म कुष्ठ में क्या है, परुष अरुणानी विशीर्ण बही तनु अंत स्निग्धानी, ओके। तो इसमें जो दो पार्ट से डिवाइड करते हैं, एक बाहर का रीजन बहिर और अंतः अंदर वाला रीजन। तो अंदर वाला रीजन तो दे दिया, इसमें कैसा होगा, स्निग्ध होगा, जबकि बाहर क्या होगा, परूस होगा, कठिन होगा, अरुण होगा रेडिश वर्ण का होगा, विशीर्ण टूटा फूटा ऐसा होगा, और तनु होगा पतला होगा। तो ये जो बाहर वाला मेनली इसमें वात का जो फीचर है ना उसके वजह से परुष हो गया या फिर अरुण वर्ण जो वात का ही आता है, ठीक है। और साथ में जो कफ है, कफ के वजह से इंटरनल स्निग्ध होगा, ये इसके शेप में हम कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका वेदना देख लेते हैं। तो इसके वेदना में क्या क्या दिया है, अल्पकंडू क्लेद मीन्स जो कंडू इचिंग होता है वो कम होगा, साथ साथ क्लेद गीलापन आएगा उस जगह पे, ठीक है। तो इसको प्रभाव में मेनली लेते हैं, हमने यहाँ वेदना में डाला है। नेक्स्ट जो मेन वेदना क्या है, दाह भेद निस्तोद या पाक
निस्तोद एंड पाक, ये बहुलानी बहुत ज़्यादा, यानी बर्निंग सेंसेशन, भेद फोड़ा का फूटना बहुत ज़्यादा, निस्तोद प्रीकिंग पेन बहुत ज़्यादा, ये सब बहुत ज़्यादा होगा। साथ साथ सूख उपहतो वेदना इंपॉर्टेंट है इसमें, सूख जो सूख होता है, सूख धाने वाले में सूख, जो जौ का जो होता है ना टूड, जौ के बाल का, तो उनको जो चुभाने के जैसा पेन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही पेन इसमें होगा। वैसे भी ये जो है वात और पित्त दोनों डोमिनेंस है इसमें ऋषि जीव में, तो उसका उसका भी आ जाएगा फीचर, कपाल को कुष्ठ का भी एंड पित्त वाला हो गया उदुम्बर कुष्ठ का भी। ओके एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुंडरीक कुष्ठ का वेदना देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, बहु बहल रक्त पूय लसी का, बहु बहल हो गया बहुत ज़्यादा गाढ़ा शराब होगा, किन किन चीज़ों का, रक्त का, ब्लड का, पूय मीन्स वही पस हो गया, और लसी का लिम्फ, वो अफेक्टेड एरिया में शराब होगा। साथ साथ क्या होगा, कंडू होगा वहाँ पे, इचिंग होगा, क्रीमी होगा, वही वर्म्स वगैरह, दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन एंड पाक, ये पाक वर्ड बार बार आ रहा है। पाक करने का यहाँ पे जो मतलब ऐसे लेते हैं कि जैसे वो सपुरेशन या प्यूट्रिफिकेशन होता है ना, उससे लिया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिद्म कुष्ठ का वेदना, तो क्या है इसमें, बहु अल्प वेदना, बहु अल्प मीन्स बहुत कम, बहुत अल्प वेदना पेन होगा, अल्प कंडू कम खुजली होगा, एंड दाह पूय लसिका, ये सब भी आएगा। नेक्स्ट जो है सबका प्रभाव देखते हैं, तो ऋष्य जीव कुष्ठ में प्रभाव क्या है, आंसू मीन्स बहुत शीघ्रता से जो है क्या होगा, गति समुत्थान होगा, मीन्स फैलेगा और उत्पन्न होगा, साथ साथ क्रीमिनी भी जो है क्रीमी होता है इसमें। दूसरे का जो है प्रभाव जो है पुंडरीक का जो है क्या क्या है, सेम आंसू गति समुत्थान एंड भेदनी, बहुत तेजी से उत्पन्न होगा, समुत्थान होगा, देन फैलेगा एंड भेदनी फूटेगा। एंड इसका प्रभाव क्या है सिद्म कुष्ठ का, तो लघु समुत्थान मीन्स धीरे से, ठीक है, साथ साथ अल्प भेद कम ही फूटेगा, एंड क्रीमिनी इसमें भी आ गया। अब ये छह कुष्ठ हो गया, अब लास्ट काकनक कुष्ठ है, इसको देख लेते हैं। तो जो काकनक कुष्ठ है इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें तीनों का तीनों दोष जो होता है वो डोमिनेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, काकनती का वर्ण आदो, यानी कि इनिशियली जो है इसका वर्ण कैसा होगा, काकनक के जैसा। काकनक क्या होता है, इसको रति, घुगुची या फिर सीधा आप गुंजा फल जो है वो समझिए, गुंजा फल के जैसा इनिशियली दिखेगा, लेकिन क्या है पश्चात बाद में क्या हो जाता है, सर्व कुष्ठ लिंग समन्विता, जो भी हमने छह कुष्ठ पढ़ा ना उन सभी के लक्षणों के जैसा हो जाता है, पाप यसा दुष्ट हो जाता है। अब चूंकि ये सभी कुष्ठ के लक्षण के जैसा होता है सर्व कुष्ठ लिंग समन्विता, तो ये क्या होता है अनेक वर्णानी, बहुत सारे वर्ण का हो जाता है ये कह रहा है, ठीक है। बहुत सारे वर्ण का क्यों होता है, क्योंकि छह कुष्ठ है तो सबका अलग अलग वर्ण होता है ना, इसलिए बहुत सारा कलर इसमें दिखेगा। साथ साथ जो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बस ये जो है काकनिक कुष्ठ ये असाध्य है, बाद बाकी सारे छह कुष्ठ जो है वो साध्य है, वो ट्रीटेबल है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो लास्ट वाला काकनक कुष्ठ था वो असाध्य, इसके अलावा बचे छह कुष्ठ जो है वो साध्य हैं। लेकिन बात ये है कि जो साध्य कुष्ठ है ना, यदि उनका उपचार करेंगे, उसका उपेक्षा करेंगे, उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो वो भी क्या करेगा, जो चार धातु थे त्वग, मांस, रक्त, लसिका, इन सभी को जो है सरकर गल जाता है, ठीक है। साथ साथ वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पसीना यानी कि स्वेद आता है, उसके वजह से उस जगह पे स्वेदज कृमि भी आ जाएगा, ठीक है। वो कृमि क्या करेगा, वो वर्म क्या करेगा, वहाँ पे त्वचा आदि इन सभी को जो स्किन वगैरह जो भी धातु है इन सभी को क्या करेगा, फेगोसाइटोसाइज्ड कर देगा, भक्षण करेगा, और जो पर्टिकुलर दोसा है उसको उन त्वचा पे और भी अधिक रूप से दूषित करते हुए अलग अलग उपद्रवों को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग उपद्रव कहने का ये मतलब है कि जैसे वायु के लिए अलग उपद्रव होगा, जो पित्तज है उसके लिए अलग है, कफज के लिए अलग है, एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो वात दोष विशेष होकर क्या करेगा, वायु वाला फीचर्स लाएगा, जैसे कि स्याव अरुण वर्ण परुषा अपि, मीन्स वो जो स्याव वर्ण का, अरुण वर्ण का और परुष कठोरता ही आएगा। उसके अलावा और क्या होगा, तो रोक्ष रुक्षता आएगा, सूल आएगा मीन्स पेन होगा, सोस सूखापन आएगा उस जगह पे, तोद होगा प्रिकिंग पेन होगा, वे पथु कहने का मतलब ये होता है ट्रीमिंग होता है ना, जैसे कि यहाँ दिया है कंपन। उसके अलावा क्या होगा, हर्ष मीन्स रोमांच,
देन संकोच, वो जो जगह है उस जगह पे क्या होगा, अफेक्टेड एरिया सिकुड़ जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वैसा, बिना परिश्रम का थकावट ये हो जाएगा, फिर शरीर में जकराहट जो स्तंभ हो गया, फिर सुप्ति शून्यता आएगा, भेद यानी विदीर्ण जो होगा वो होगा, साथ साथ भंगान मीन्स वो क्या कहते हैं अंग भंग वाला जो कंडीशन है वो सब आ जाएगा। ये सब वात दोष की वजह से होगा। नेक्स्ट पित्त की वजह से क्या क्या होगा, तो पित्त की वजह से जो अफेक्टेड एरिया है कुष्ठ वाला वहाँ होगा, दाह होगा, स्वेद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, क्लेद होगा, गीलापन आ जाएगा, कोथ सड़ने वाला फीचर आएगा, एंड श्राव सिक्रीशन होगा किसका, पूय यानी पस वगैरह का, देन पाक हो जाएगा, पक जाएगा, और राग, राग कहने का मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं लालिमा के साथ रेडनेस आ जाएगा वहाँ पित्त की वजह से। एंड कप के जो है विशियट होने की वजह से क्या क्या हो जाएगा, तो श्वेत वाइटिस आएगा, शैत्य मीन्स शीतलता ठंडापन, कंडू इचिंग होगा, स्थैर्य मीन्स स्टेबिलिटी आ जाएगा, गौरव हैवीनेस हो जाएगा, उत्सेद उस जगह पे उभरा हुआ लगेगा, उपस्नेह मीन्स चिकनापन आ जाएगा, देन उपलेप वो लगेगा कि उसको लेप लगा दिए ऐसा आएगा, ये कप के वजह से। ये सब कप का वैसे प्रॉपर्टी ही है। तो ये सब जो हमने उपद्रव अभी देखा है पर्टिकुलर वात पित्त कप का, वो उस कंडीशन में था जब हमने साध्य कुष्ठ को जो है ऐसे ही छोड़ दिया था, ट्रीट नहीं किया था, तब विशिएट होकर के ये दोष जो है अपना अपना जो उपद्रव दिया था वात पित्त कप इंडिविजुअली। अब नेक्स्ट जो है उपद्रव देखते हैं, एंड उपद्रव में क्या क्या आते हैं ये सभी कुष्ठ का है। तो उसमें आ रहा है पहला प्रश्रवण, प्रश्रवण मेनली पूय श्रवण से है, पूय जो पस है मवाद है उसका श्रवण होगा, सिक्रीशन होगा, साथ साथ अंग भंग होगा। ये श्रवण कहाँ होगा, जिस जगह पे जो अफेक्टेड एरिया जहाँ कुष्ठ हुआ, साथ साथ अंग भेद होगा, अंग भंग बॉडी में पेन होगा, ठीक है। देन पतन अंग अव्याणाम, जो अंग अवयव है यानी बॉडी पार्ट्स, खास करके जो इसको ऐसे समझते जो जो स्किन का पार्ट्स है उस स्किन का जो अवयव फ्रेगमेंट या टिश्यू फ्रेगमेंट है वो क्या होगा, पतन हो जाएगा, कट करके गिर जाएगा। इसके अलावा और क्या उपद्रव आएगा उसके बाद, उपद्रव का मतलब तो क्लियर है ना कि डिजीज होने के बाद जो है ये मैनिफेस्टेशन होता है, मींस उस डिजीज के वजह से अलग डिजीज जो आ रहा है। तो और क्या क्या आएगा, थर्स्ट पिपासा ज्वर हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, दाह बर्निंग सेंसेशन, दुर्बलता वीकनेस, अरोचक खाने की इच्छा नहीं होगा, एंड अपचन इनडाइजेशन, ये सारा उपद्रव आ जाएगा। अब इसकी चिकित्सा के बारे में देख लेते हैं। साध्य असाध्यता तो हम जान चुके कि जो लास्ट वाला काकनक था वो असाध्य था, बाद बाकी सभी साध्य है। तो चिकित्सा साध्य की करनी है, उसमें भी चिकित्सा के बारे में स्पेशल वर्ड आया शीघ्र, मीन्स बहुत जल्दी चिकित्सा करना है, बहुत जल्दी इस सेंस में कि जो रोग उत्पन्न हुआ है उससे पहले ही पूर्व रूप में जो पता चल रहा है उसी टाइम में ट्रीटमेंट कर देना, या फिर जो तरुण अवस्था नया नया रोग हुआ है उसी टाइम में ट्रीटमेंट कर देना वो साध्य का, इसमें लेट नहीं करना। इसके लिए यहाँ एक उपमा दिया है कि जैसे तरुण वृक्ष होता है उसको काटने के लिए जो है कम परिश्रम है, कम टाइम में ही कट जाता है, लेकिन वहीं जो है वो जो ट्री है वो बड़ा हो गया है तो उसको काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। सिमिलर डिजीज में भी ऐसा ही होता है कि वो जो है तरुण अवस्था में है या फिर पूर्व रूप अवस्था में उस समय ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा, जबकि वो क्रॉनिक हो जाए उसके कंपेरिजन में। तो इस तरीके से हमने जो है निदान का स्थान का जो ये कुष्ठ निदान कंप्लीट कर लिया। आप लोग प्लीज़ देखें एंड थैंक यू।